रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। बिहार में अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के राजनीति काफी गर्म है। इसे लेकर के कहा यह जा रहा है कि यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इसको लेकर के नीतीश कुमार और उनके सरकार उनके पुलिस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि अनंत सिंह एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। उन पर कई केसेस पहले से दर्ज हैं। इस बार उनकी गिरफ्तारी दो कारणों से हुई है। पहला कारण तो ये कि उनके पैतृक निवास में AK-47 और अन्य विस्फोटक सामग्रियों का पुलिस द्वारा ढूंढना, और उसके बाद दूसरा है एक ऑडियो का वायरल होना जिसमें कहा जा रहा है कि अनंत सिंह ने किसी की हत्या के लिए बातचीत और चर्चा की है। अब इन सब के बाद एक दूसरी घटना भी बिहार की राजनीति में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी है और घटना का संबंध भी एक बाहुबली से है। आपको पता होगा कि बिहार के बाहुबली में एक नाम और भी है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। नाम है शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन सिवान के रहने वाले हैं, सांसद भी रहे हैं और उन्हें एक बाहुबली के रूप में भी जाना जाता है। आजकल वो जेल में बंद हैं, पर जेल में रहने के बावजूद भी उनके डर और उनके खौफ का कहा जाता है कि आज भी सिवान के लोगों में व्याप्त है। एक बड़ी घटना हाल में घटी जो चर्चा में आ गई, और बड़ी घटना ये है कि तिहाड़ जेल में बंद सिवान के पूर्व सांसद और राजद के उपाध्यक्ष, जिन्हें लालू प्रसाद ने उपाध्यक्ष बनाया था, उनके करीबी का अरेस्ट होना। बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन के बेहद करीबी RJD नेता प्रिंस उपाध्याय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। खबर के मुताबिक RJD नेता प्रिंस उपाध्याय को पुलिस ने गुरुवार की देर रात थाना इलाके के रेणुआ रोड स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। राजद नेता प्रिंस उपाध्याय को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है अभी तक इस बात का खुलासा तो नहीं हो पाया है। पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। अब एक और बाहुबली के करीबियों पर दबिश देना और उनकी गिरफ्तारी, कहीं ना कहीं इसे भी राजनीतिक रूप जरूर दिया जाएगा। अभी घटना को हुए 24 घंटा भी नहीं हुए हैं और इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार और उनका प्रशासन पूरी तरह से विरोधियों पर अड़ गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं प्रशासन बाहुबली कहे जाने वाले ऐसे पूर्व नेताओं या नेताओं पर अपनी दबिश बनाता जा रहा है। शहाबुद्दीन के करीबी के गिरफ्तार होने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में इस चर्चा का गर्म होना बिल्कुल ही तय माना जा रहा है। RJD चुप बैठने वाली नहीं है, चूँकि आपको बता दें कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के जितना ज़्यादा बवेला बिहार की राजनीति में मचा और इसको लेकर के जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं शासन प्रशासन पर, वहीं शहाबुद्दीन के करीबी के गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा तेज हो जाएगी। जुड़े रहें न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपके पास भी है कोई खबर तो आप हमारे चैनल को भेज सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो नंबर है 72-770-65-303 7277-65-303। यदि आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है editornewsbihar@gmail.com। यदि आप सिटीजन जर्नलिस्ट के रूप में जुड़कर अपने क्षेत्र की खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उस नंबर पर जो नंबर आपको दिया जा रहा है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रॉल कर रहा है नंबर, उस नंबर पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। जुड़े रहें न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।